मित्रों, आज हमको जैसे मालूम है कि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का दिन है। आज हम लोग इस महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही आज भी कितनी उनकी शिक्षा, उनके जो व्यक्तित्व के गुण हैं, कितने प्रासंगिक हैं, ये हमको ध्यान में आएगा। हम एक विशेष प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं और उसके बाद अगर विचार करते हैं तो वो बातें जो डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में उस समय प्रासंगिक थी, आज भी उसी का विचार हम जरूर करेंगे। हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश का जो संविधान है उसको तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई, और संविधान जो हमारा जनतंत्र का एक ऐसा विषय कि सारे देश को एकता में पिरोया। जैसा मैं ध्यान करता हूँ कि हमारे देश के समाज की एकता हमारे संविधान के कारण से, ये हमारी गीता है जिसको ध्यान में रख करके और हमारे देश का शासन प्रशासन सब चलता है और समाज की सेवा ये सब होती है। जहाँ एक ओर संवैधानिक इस दायित्व को डॉक्टर साहब ने निभाया, हमारी एकता ये प्रदर्शित की। आज मैं याद करता हूँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी देश को एक किया। हमारी राजनीतिक एकता लगभग 550 रियासतों को उन्होंने इकट्ठा किया था, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये श्रद्धांजलि आज के हमारे काम को, जो भी उनकी शिक्षा के अनुसार हम करते हैं, एक समरसता समाज के अंदर लाकर समाज की सेवा भावना समर्पण के साथ करेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि उन्होंने विदेश में जा करके और अपनी पढ़ाई की, वो बैरिस्टर बन करके आए और इस देश की आज़ादी के आंदोलन में वो कूदे, और उनके शिक्षा, उनका जो जीवन, वो हमारे लिए प्रेरणादायक बना कि हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करके और सच्चा लोकतंत्र प्रजातंत्र ये हमने शुरू किया। राष्ट्रीय सोच के वो व्यक्ति थे, कभी भी समाज के विघटन में वो कभी विश्वास नहीं रखते थे। समाज में बहुत सी बुराइयां उस समय थी और उन बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में कैसे समता लाई जाए, कैसे एकता की जाए, ऊंच नीच के भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाए, अस्पृश्यता को कैसे समाप्त किया जाए, अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाले लोगों का किस प्रकार से कल्याण हो, ये सब सोच उनकी उस समय थी। एक विशेष तथ्य कि उस समय कश्मीर को देश का किस प्रकार से अभिन्न अंग बनाया जाए, इसके लिए जैसे अनुच्छेद 370 की बात हुई तो 370 अनुच्छेद के वो एकदम विरुद्ध थे, वो इसके हक में नहीं थे और उन्होंने इसको उस समय स्वीकार नहीं किया, लेकिन मजबूरीवश उनको ये सहन करना पड़ा कि उस समय जो बहुमत और लोग थे उन्होंने धारा 370 को लगा करके, और जिसको कहना चाहिए एक शासन की जिसको जिद कहनी चाहिए, उस समय की जिद के सामने उनको भी झुकना पड़ा, लेकिन मूल रूप से उसके हक में नहीं थे। तिरंगा झंडा हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज बना, उस राष्ट्रीय ध्वज में शांति के प्रतीक इस नाते से अशोक चक्र, ये उनकी देन थी कि उन्होंने अपने इस राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र, ये भी इसका भी एक प्रकार से प्रावधान कराया। बाबा साहब हमेशा गरीबी, अन्याय, अस्पृश्यता, अभाव, इस सारे विषय को लेकर के उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया और देश में एक वातावरण ऐसा बने। हमेशा जो वीर पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संकटों को पहचान लेते हैं, और संकट में अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति संकट के समय रास्ता ना निकाल सके तो अपने आप में एक नया संकट होता है। इसलिए जब भी कोई संकट आता था, हमेशा उस संकट में से रास्ता कैसे निकाला जाए, इसके वो तज्ञ थे। कहा जाता है कभी भी कि जैसे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है, कोई संकट आता है तो उसमें से रास्ता निकलता है। अगर मैं आज के संदर्भ में जोड़ता हूँ तो कोरोना का यह संकट, इस कोरोना के संकट में रास्ता निकालना अगर हो तो हमें उसी प्रकार का संकल्प, उसी प्रकार की एक मन की तैयारी
जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में थी, हमको उनके अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम उनकी प्रेरणा से चलेंगे तो निश्चित विश्वास है कि कोरोना के इस बीमारी से हम एक प्रकार से बाहर हो सकते हैं। इसके लिए हमें वो जनता, वो गरीब जनता जो इस कोरोना की बीमारी के कारण से जिसका आज अभावग्रस्त जीवन कष्टप्रद हो गया है, उसको आज रोजगार समाप्त हुआ है, उसकी आमदन खत्म हो गई है, दिहाड़ीदार लोग वो अब आज अपने जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी सहायता की जाए, सेवा की जाए और ऐसे उसके अभावग्रस्त जीवन को कैसे सुखी किया जाए, ये आज वैसी ही आवश्यकता है जैसे उस समय आज़ादी से पहले रही होगी। आज इस काम में हम दिन रात लगे हैं, लेकिन इस कर्तव्य निष्ठा को हम लोगों ने निभाना है। और ये जो कर्तव्य निष्ठा का विषय वास्तव में हमारे इतिहास में, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में ये एक प्रकार से जैसे उल्लेख किया जाता है गीता का, गीता का एक संदर्भ यदि मैं देता हूँ तो गीता में श्लोक आता है क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्तव्य करें, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन कभी भी उसके फल के पीछे न दौड़े, फल अपने आप मिलने ही वाला है। और कर्म करने की भावना, हमें जिसके प्रति सेवा करनी है उसके साथ हमारा लगाव क्या है, उस लगाव के साथ भी प्रदर्शित होता है। आखिर ये समाज मेरा है, मैं समाज का अंग हूँ, मेरा परिवार है, इसको बचाने के लिए, इसके प्रति जो मेरा दायित्व तो उसको सेवा के काम से मैं करता कर्तव्य निभाता रहूँगा तो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने में मुझे एक आनंद भी आएगा। तो इस आनंद को लेने के लिए हम उनके जीवन से प्रेरणा ये हमेशा लेते रहेंगे। हर व्यक्ति सोचता है कि क्यों नहीं मैं भी एक अम्बेडकर जैसे व्यक्ति की तरह और अपना जीवन यापन करूं। अम्बेडकर ऐसे नहीं बना जाता, अम्बेडकर बनने के पीछे जो एक सुदृढ़ता चाहिए, मन का संकल्प चाहिए, वो हमेशा यानी एक संघर्ष करके साहस के साथ और सारे समाज में समानता लाने का प्रण यदि हम लेंगे तो हम भी उनके पदचिन्हों पर आगे चल सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं रह सकते हैं। बाबा साहब उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए यही सिखाती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी हो, चुनौती के समय हमेशा रास्ता बनता है, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। बाबा साहब जीवन के अगर दो पहलू मैं ध्यान रखता हूँ तो उसमें से पहला है सामाजिक समरसता। हमारे समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये जो अगड़ा पिछड़ा, ये जो भाव चल करके आया, इसको दूर करने के लिए उन्होंने कई तरह की व्यवस्थाएँ उस समय संविधान में भी की कि किसी प्रकार से समाज एक होता जब तक नहीं होता है तब तक ऐसा जो वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त वर्ग है, उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं ये दी जाए ताकि मुख्य धारा में आकर के और हम एक सुखी समाज की जो कल्पना करते हैं उसको हम पूरा कर सकें। इस प्रकार से सामाजिक समरसता लाने के लिए सबसे पहला काम है समाज को जागरूक करना। तो सामाजिक जागरूकता, इस जागरूकता के लिए जितनी आवश्यकता उस समय महसूस होती थी आज भी जागरूकता की इतनी आवश्यकता है। यदि हम कोरोना के संकट के समय को भी देखें तो कोरोना का इलाज ये कोई दवाइयों से, किसी फार्मूला, कोई ड्रग्स का, दवाइयों का, इससे होना कम लगता है, बल्कि इसके लिए जो सावधानियां हैं वो सावधानियां समाज के लोग आपस में बरतेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं कहा कि इसका एक मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, इसके आधार के ऊपर हमें समाज को जागरूक करना होगा। और यदि समाज जागरूक होता है तो इस संकट में से बहुत आसानी से हम निकल सकते हैं। दूसरा तथ्य वो है, वो इस प्रकार से मैं कभी कभी मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके जीवन में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनके जीवन का बहुत एक असर था। बचपन में ही गौतम बुद्ध की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, आगे चल करके गौतम बुद्ध के वो अनुयायी बने। और जब गौतम बुद्ध के अनुयायी बनते हैं उस समय दो चीज़ें, उनका धैर्य और उनका संकल्प, ये वर्णनीय है। उनके संकल्प में जब कोई काम हाथ में लेते थे उसको पूरा जब तक नहीं होता था तब तक कठिन परिश्रम, दिन रात मेहनत करते थे और उसको करते समय लंबा भी लगता था तो धैर्यपूर्वक उसको करते थे। आज उसी प्रकार से हम इस लड़ाई से जूझ रहे हैं, हमारा संकल्प तो है, हमको सब काम करने हैं, लेकिन चूंकि समय अधिक लग रहा है, पहले इसका हमने जो पालन किया लॉकडाउन का, 21 दिन का लॉकडाउन जो आज समाप्त हो रहा था, आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको एक आदेश दिया कि इसमें हमको और 3 मई तक आगे बढ़ना होगा। इस 3 मई तक के संकल्प को भी हम आगे धैर्यपूर्वक
इस संकल्प को पूरा करेंगे तो जीत निश्चित रूप से हमारी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे इस कोरोना के संदर्भ में सामाजिक जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबको हम निष्ठापूर्वक पालन करें। और इसमें भी एक विषय, जैसे सामाजिक तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की कही गई है, इसके अंदर हम इकट्ठे होकर के आपस में सामूहिक रूप से कोई काम नहीं कर सकते, हमको अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जगह ये संकल्प दोहराना होगा। और मैं ये कहूँगा कि आज यदि एक वाक्य प्रयोग करना हो तो इसमें हम स्वयं की मदद करना, इस फार्मूले पर भी चलें। सेल्फ हेल्प अपने आप में एक बहुत बड़ा एक होता है, जैसा एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी व्यक्ति स्वयं हिम्मत करता है तो भगवान भी उसकी सहायता करता है, इसलिए हमको स्वयं होकर के अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से यदि आगे बढ़ेंगे और हम युवाओं को विशेष तौर पर, छात्राओं को, छात्रों को और जो हमारे खिलाड़ी बंधु हैं उन सबको ये अपील करता हूँ कि समाज की सेवा, इसको अपना आदर्श बनाएं, और इसको अपना आदर्श बनाएंगे तो समाज की सेवा के आदर्श की एक स्वभाव यदि बनता है तो पूरा जीवन हमको एक आनंद ये भी मिलने वाला है, इसका भी हम लोग ध्यान रखें। आज डॉक्टर अंबेडकर जी का जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी, स्ट्रांग फाइटिंग स्पिरिट, उसी स्पिरिट के आधार पर आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी उसके उनका अनुसरण करते हुए जिस प्रकार हमको मार्गदर्शन किया है, इस फाइटिंग स्पिरिट से हम बहुत सी बातें ठीक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के आज के आह्वान से, जो उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड को समाप्त करने के लिए हमको जो फार्मूला बताया, उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक का ये विषय ऐसा है, इस विषय पर और भी थोड़ा कठोरता से हमको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। हो सकता है 20 अप्रैल तक कठोरता अधिक बढ़े, हमारे जो इस समय तक की इच्छा हमारी थी कि थोड़ा स्वतंत्रता हमको मिलेगी, 20 अप्रैल तक इस थोड़ा सा अनुशासन के नाते से कठोर रह करके अपने जीवन काम को पालन करना होगा। 20 अप्रैल के बाद जहाँ जहाँ कोरोना का प्रभाव कम है वहाँ कुछ छूट देने की बात कही गई है, हम इन 5 दिनों में ऐसा एक करके दिखाएं कि जो बढ़ता हुआ हमारा कोरोना का जो कर्व है, जो इस प्रकार का जो ग्राफ है, उसको हम कैसे नीचे गिरा सकते हैं। एक बार ये ग्राफ यदि नीचे गिरना शुरू होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम कोरोना को समाप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिन 7 बातों का उल्लेख किया है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताई हैं, फिर भी मैं उसको दोहराना चाहूँगा। पहली बात उन्होंने कही कि अपने घर के बुजुर्गों की, उनकी ज़रूर हम देखभाल करें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, ये भी हमको अवश्य ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा केयर उनकी करनी होगी। इसी प्रकार उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी लक्ष्मण रेखा, इसको पूरी तरह से पालन करना है। घर में बने फेस कवर या मास्क, इसको भी हमको पहनना है। ऐसे ही तीसरी बात उन्होंने कही कि इम्यूनिटी, इसको बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो एक निर्देश उन्होंने दिया कि इसके लिए आयुष मंत्रालय इनके निर्देशों का पालन करें, गर्म पानी, काढ़ा, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, इसको भी हम अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करें, क्योंकि इससे हम अपने आसपास के लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहीं कोई संक्रमण का कोई व्यक्ति वो हमारे निकट तो नहीं आया है, या बहुत सी सूचनाएं हमको हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से मिलती रहेंगी कि संक्रमण में, इस कोरोना के संक्रमण में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसलिए हम स्वयं और अपने सब जानकार बंधुओं को कहें कि वो आरोग्य सेतु मोबाइल, इस ऐप को भी डाउनलोड करें। इसी प्रकार जितना भी हो सके गरीब परिवार, उनकी देखभाल करना, वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर जी जिस प्रकार से गरीब परिवारों की चिंता करते थे, आज ये विषय उसी प्रकार से उनकी चिंता करने का हमारा है। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, 2 समय का भोजन उसको अवश्य मिले। सरकार की ओर से हम लोग बहुत सी योजनाएं बना करके गरीबों तक राशन पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, पैसे पहुंचाना, ये सब काम हम कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत कर रही हैं। मैं सभी को आह्वान करता हूं कि इन कामों में बिल्कुल पीछे न हटें। जब तक ये संकट जारी है तब तक इस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अगर केवल मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ठीक हूँ इस विषय में यदि सामने वाला ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से किसी के ऊपर ही पड़ सकता है। तो हमें मैं ठीक हूँ इससे काम नहीं चलेगा, हम सब ठीक होंगे, ये संकल्प करना होगा। इसी प्रकार छठा वचन जो उन्होंने हमसे लिया है
कि हमारे व्यवसाय में, उद्योग में लगे हुए लोग उनके प्रति संवेदना रखें, उनके परिवार का कुशल क्षेम ये हमको ध्यान रहना चाहिए, उनकी आय इसे नहीं रुकनी चाहिए, उनकी जो सैलरी देनी है हमको वो लगातार हम देते रहें, और ऐसे गरीब परिवारों के जो मकान मालिक हैं जहाँ मकान में वो रहते हैं उनको भी उनसे किराया कम से कम वर्तमान समय तो नहीं लेना चाहिए, जैसे ही हमारी स्थितियाँ ठीक होती हैं उसको दोबारा से वो शुरू कर सकते हैं। ऐसे हमारे जो राष्ट्र रक्षक हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, जो इस बीमारी के साथ दिन रात अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी परवाह किए बिना लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जैसे उसमें पैरामेडिकल्स हैं और उसी में चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे कर्मचारी हैं, इन सब के लिए पुलिस के जो हमारे सिपाही, पुलिस का हमारा सुरक्षाकर्मी हैं, इन सब के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव रहना चाहिए। इस श्रद्धा भाव से हम उनको भी, उनके परिवारों की आने वाली कठिनाइयाँ, उनको भी हमको सहयोग करना है ताकि वो सेवा के काम में लगे रहें। वो हमारे लिए सफ़ेद कपड़ों में भगवान इस प्रकार का रूप है, इस भाव को भी हम लेकर के चलें। मैं ये कहूँगा कि अब कष्ट के दिन ये वास्तव में कम रह गए हैं, अब कष्ट के दिन कम रह गए हैं, निश्चित रूप से ये अंधेरा छटने वाला है, सवेरा होने वाला है, और यदि 20 अप्रैल तक थोड़ी शक्ति हम दिखाएंगे और जो बाकी मरीज इस समय जो आ रहे हैं, इस समय जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस हैं वो अब थोड़ा कम होने लगे हैं, ग्राफ हमारा जिसको कहना चाहिए स्थिर हो गया है, अब ये डाउन ग्राफ होने की हम इंतजार कर रहे हैं, जैसा ग्राफ डाउन होता है वैसे ही ये विजय हमारी निश्चित होगी, हम कोरोना को हराएंगे। मैं बार बार एक ही वाक्य कहता हूँ, कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा, विजय हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।